हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं फिर आ गई हूँ और एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे आलू के रसीले आलू की सब्ज़ी। और आलू की सब्ज़ी किसको नहीं पसंद है। आलू की सब्ज़ी में थोड़ा टेस्ट अलग आए तो वो मज़ा ही थोड़ा अलग आ जाए। चलते देखते किन किन सामान की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर ले रही हूँ आलू, बॉयल हुआ आलू, अदरक लहसुन का पेस्ट, कटा हुआ प्याज और छोटा छोटा बारीक हुआ कटा हुआ हरी मिर्च और टमाटर। चलिए, पैन को मैं गरम करने के लिए रख लिया है। मैं इंडक्शन में बना रही हूँ और उसमें मैं ऑयल गरम कर लिया है। और उसमें मैं थोड़ा डाल रही हूँ सरसों, और मैं डालूँगी जीरा, और मैं कुछ सूखा मसाला ली हूँ। सूखे मसाले में मैं इलायची, दालचीनी और तेजपत्ता और लौंग ले रही हूँ। उसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे प्याज, कटा हुआ प्याज। प्याज को मैं थोड़ा हल्के फुल्के ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है हमको। और मैं लहसुन की कली को छोटा छोटा करके, दो तीन लहसुन कली लेके छोटा छोटा कर लिया है। और मैं उसमें डालूंगी टमाटर। टमाटर को भी ऐसे फ्राई करना है। टमाटर हल्का सा फ्राई होने के बाद मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। आपको जितना पेस्ट आप जितना डालते हो उसके हिसाब से डालना है। उसके बाद अच्छी तरह से मिला के थोड़ा फ्राई कर लीजिए, क्योंकि कच्चापन ना आए। और मैं डालूँगी उसके बाद एक छोटी चम्मच हल्दी, और मैं कश्मीरी रेड मिर्ची ले रही हूँ, और मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, धनिया पाउडर डाल रही हूँ, और उसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। ध्यान रखें, मैं गैस का फ्लेम स्लो ही रखें। मैं इंडक्शन में बना रही हूँ तो मैं स्लो रखी हूँ, नहीं तो मसाला जल जाएगा। और मैं पानी डाल रही हूँ, आपके हिसाब से पानी डाल लेंगे आप। आपको कितना मोटा या पतला चाहिए आपको हिसाब से डालना है। तो मैं पानी डाल के, मेरा पानी बॉयल भी हो गया है, और मैं आलू को ऐसे छोटे छोटे पीस कर लिया था और उसमें उसको मैं डाल दिया। डाल के अच्छी तरह से मिला लिया। मैं एक बात कहना भूल गई थी, मिर्ची में डाल दिया था टमाटर के साथ, लेकिन मैं दिखाना भी भूल गई। तो चलो मैं अभी बता रही हूँ। और मैं नमक डाल रही हूँ, नमक लास्ट में मैं डाल रही हूँ, क्योंकि कितना पानी चाहिए तो उसके हिसाब से डालना पड़ता है, तो लास्ट में डालूँ। और ढक के 5 मिनट के लिए चढ़ा लूँगी। उसके बाद देखते हैं, हमारे रसीले आलू बन गया है। और मैं कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ। डालने के बाद मैं 2 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के रखूँगी। स्लो फ्लेम में ही रखना, ज़्यादा हाई या ज़्यादा लो मत करना, मीडियम फ्लेम में रखना। मैं ढक लूँ, तब तक हम रोटी बनाने स्टार्ट कर लेंगे। मेरे तवा गरम हो गया है, मैं अब रोटी बनाऊँगी एक एक करके। जब तक वो रसीले आलू बन जाते तब तक हम सारी रोटी भी बना लेंगे। तो चलिए, क्योंकि रसीले आलू के साथ रोटी खाने का मज़ा थोड़ा अलग ही आता है। और पूरी भी बना सकते हैं, लेकिन हम रात के लिए बना रही थी तो मैं रोटी बना ली। तो चलिए, एक एक करके मैं सारे रोटी बना लूँगी। तब तक हमारे रसीले आलू भी हो जाएगा, बन के तैयार रेडी हो जाएगा, और रोटी भी बन जाएगा। एक साथ दोनों काम हो जाएगा आसानी से। आप चाहो तो उसके साथ पूरी भी खा सकते हो, लेकिन मैं रोटी बना रही हूँ, वो आपकी मर्जी है। आप किसके साथ खाना चाहिए, इसे भी आलू की सब्जी तो हर तरीके के साथ खाने के पसंद आती है, लेकिन मैं रोटी बना रही हूँ आज। तो चलिए, रोटी बन के रेडी हो रही है, और हमारा ये भी हो गया है। और लास्ट में हम डालेंगे इसमें मैगी मसाला, क्योंकि थोड़ा अलग ही टेस्ट आता है मैगी मसाला डालने के बाद। और इसको अच्छी तरह से मिला के 1 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के रख लेंगे। स्लो फ्लेम में रखी हूँ।
चलो देखिए बन के रेडी हो गया है रसीले आलू की सब्जी। और मेरे ये रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।